लोग जहाँ से निवास गहरे से रहेंगे उसी पे जो ना सर है डॉक्टर जी आखिर सुशील जी शिफ्ट कराओ उसी उठे एवरी सेंटर हॉस्पिटल उठे लेता हूँ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया सारी मेडिसिन केड़े वास्ते लेता रूपनगर पे जाके रूपनगर साड़ा है ना हेल्थ सेंटर है उठे भेजो शाम भी कुछ कराओ डॉक्टर सुशील जी आखो शिफ्ट कराओ या फिर उसको ट्रैंकलाइज करने की कोशिश किया जा सकती है क्योंकि बस्ती में आएगा तब उसको ट्रैंकलाइज किया जाएगा वो तो एक इंतजार करने वाली बात है कोई और माध्यम नहीं है क्या नहीं नहीं ये टीम हमारी है या लगातार तो उसके बाद वो कोई 7-8 महीने की बात होगी उसके बाद अभी नहीं दिखा उसके दिन में दिखा नहीं कभी शायद तो हो गया ना उसको यहाँ पर आएंगे इसकी मोमेंट होती है ये तो अमूमन सो हेलो ये सारा का सारा खुला है ये मैं एक और जगह में आपको लेके चलता हूँ वो भी बहुत ज़्यादा खतरे में है ये अर्जेंट करियो वो बेशक रहने दो इधर दो पहुँचा वो पोल है हेलो इसी ऊंची दियो थोड़ी जो फार्मूला करना चलो चलो कोई बात नहीं जितनी हो सके ना इतना बच्चों का खास कर हमारे स्थानीय लोग हैं या लोगों के जो नुमाइंदे हैं श्याम जी हैं शारदा जी हमारे दोनों पार्षद हैं या हमारे सीनियर नेता राजीव जी ने मुझे कल कॉर्पोरेशन में आए थे इन्होंने मुझे स्ट्रेस किया कि आप एक विज़िट करिए वहां पर और इसके बारे में वन विभाग को वाइल्ड लाइफ को जो भी इसको राहत मिल सकती है मुझे बताया गया था कि यहाँ पर हम लोग आते हैं गाड़ी में निकल जाते हैं मैं वहाँ फेंसिंग देखता हूँ बाकी हर जगह चैन फेंसिंग लगी हुई है लेकिन इधर बस्ती में आगे आने का मौका नहीं मिला लेकिन आज यहाँ आए हूँ देखा यहाँ कमी है यहाँ फेंसिंग नहीं है लेकिन मैं डिपार्टमेंट से बात करके वाइल्ड लाइफ से या फॉरेस्ट से सोशल फेस्टिवलों से अर्बन वालों से भी बात करके जिस किस्म की फेंसिंग प्रोटेक्शन के लिए हो सकती है कि लोगों का जानी नुकसान ना हो उसको कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम प्रयास करेंगे और कोई टीम अगर इनके पास स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है अगर किसी और डिपार्टमेंट से या बाहर से मंगवानी पड़ती है आर्मी से या किसी और वाइल्ड लाइफ से उसके बारे में भी बात करेंगे ताकि लोगों को जो हमारे यहाँ गरीब भाई बहन रहते हैं उनको कैसे राहत दे सकते हैं वो चैन की नींद सो सकें मुझे पता है जो जहाँ रहता है वो रात को सो नहीं सकता है खासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों को किस तरह संभाल के रखते होंगे बहुत मुश्किल काम है ये वही जानते हैं हम तो अपने घर में चैन से सोते हैं लेकिन उनकी भी चिंता करना हमारे दोनों पार्षद या सीनियर लीडर यहाँ से जो चाड़क जी या बाकी